जय यीशु, प्रभु यीशु के अति सामर्थ्य व नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 299 दिन की व्याख्या में स्वागत है। शुरू करेंगे प्रवक्ता ग्रंथ से अध्याय 37, 37th चैप्टर ऑफ सिराक। इसमें मुख्य रूप से चार संदेश है। पहली बात, मित्रता की पहचान, सच्चा मित्र और कपटी मित्र, धोखा देने वाला मित्र, उसकी पहचान के विषय में। प्रवक्ता ग्रंथ में बराबर हम लोग इस विषय पर वचन देख चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। जैसा कि अध्याय 6 में हमने मित्रता की बातें देखी थी और आगे भी कई जगह में। इसके तुरंत बाद परामर्शदाताओं के विषय में, सबके परामर्श हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो परामर्शदाता है उसका स्वार्थ किस में है? शायद वो अपने हित में परामर्श देता होगा, इसलिए हम लोगों को अपने अंतःकरण की बात को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि वह हमारे प्रति किसी से भी अधिक ईमानदार है, हमारा अंतःकरण। वचन 18 में लिखा है, ऊंची मीनार पर बैठने वाले पहरेदारों से भी अधिक मनुष्य को अधिक जानकारी अंतःकरण देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, वचन 19, जिससे वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। हालेलुया। इसके तुरंत बाद प्रज्ञा की परख। कितने बार हम लोग प्रज्ञा की बातें प्रवक्ता ग्रंथ से, सूक्ति ग्रंथ से और प्रज्ञा ग्रंथ से हम लोग सीखे हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये प्रज्ञा बहुत जरूरी है, इसलिए प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति को आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति अपने लोगों को शिक्षा देता है, और ये सारी बातें, प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति को अपने लोगों से सम्मान मिलेगा, उसका नाम सदा जीवित रहेगा, ये सारी बातें बताए गए हैं। और इस अध्याय के अंत में संयम की बात, विशेषकर पेटूपन की आत्मा से जुड़ी हुई कुछ बातें, हमें किस तरह संयम रखना है, सावधान रहना है। हर सुख के लालची मत बनो, स्वादिष्ट भोजन पर मत टूटो। अंतिम वचन इस प्रकार है, अधिक खाने से बहुतों की मृत्यु हो गई। कितनी बड़ी चेतावनी है। अधिक खाने से यानी पेटूपन की आत्मा के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई। द ग्लटनी हैज किल्ड मेनी, ऐसा है। जो संयम रखता है वह अपने दिनों की संख्या बढ़ाता है, विशेषकर इस पाप पर नियंत्रण रखने वाले अपने जीवन के दिन को बढ़ा देते हैं। इस तरह मुख्य रूप से चार विषय पर ये अध्याय हमसे बात करते हैं। प्रभु को धन्यवाद। अब हम यिर्मयाह के ग्रंथ का 39 और 40 अध्यायों को समझने की कोशिश करेंगे, विशेषकर अध्याय 39, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना, इसराइलियों के जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, ताउम्र कोई भी भूल नहीं पाएंगे इस घटना को। वो है इसरा, वो है यरूशलेम शहर का पतन। यूदा समाप्त हो रही है, यूदा देश समाप्त हो रही है अगले 70 साल के लिए। हालेलुया। प्रभु ने अपने सेवक यिर्मयाह के द्वारा कई बार चेतावनी देता रहा था। राजा को, प्रजा को, पुरोहित को, सब एक ही प्रकार समझाने की कोशिश प्रभु किया, लेकिन किसी ने भी नहीं समझा, विशेषकर राजा सिदकिया अंधे रह गया। प्रभु बार बार राह दिखा रहा था, क्या करना है समझा रहा था, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया, इसलिए वो हादसा हो ही गया। नबूकदनेस्सर बाबुल से अपनी बड़ी सेना लेकर आए और यरूशलेम की घेराबंदी शुरू की। ये ईसा पूर्व 588 की बात है, 88। एक महीना, दो महीना नहीं, बल्कि ये घेराबंदी पूरे 18 महीना चलता रहा। इस 18 महीने के अंदर
यरूशलेम में क्या क्या हो रहा था, भयानक विपत्ति हो रही थी। यहाँ तक कि वचन कहता है तलवार से मरने वाले भूख से मरने वालों से कहीं अच्छे थे। तलवार से जल्दी मर गया, लेकिन भूख से मरने वाले चीजते घुलते गए क्योंकि खाना नहीं मिलता था। वचन चार शोक गीत में अध्याय चार में हम घेराबंदी के दौरान यरूशलेम की हालत कैसी रही उसके विषय में हम पढ़ते हैं। अध्याय चार वचन चार शोक गीत, दुदमुहे बच्चे की जीभ प्यास के कारण उसके तालू से चिपक जाती है। बच्चे रोटी मांगते हैं लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं देता। जो लोग कभी स्वादिष्ट भोजन करते थे वे अब सड़कों पर मर रहे हैं। जिनका पालन बैगनी वस्त्रों से होता था वे अब घूरे पर पड़े हैं। और दसवां वचन, करुणामयी नारियों ने अपने ही हाथ से अपने बच्चों को उभाला। कितनी बड़ी हादसा है, कितनी बड़ी विपत्ति है। हमारे देश की पुत्री के विनाश के समय वे उनका आहार बन गए। वचन 17, व्यर्थ ही सहायता की राह देखते देखते हमारी आंखें धुंधला गई। हमें कैसे राष्ट्र की प्रतीक्षा करते रहे जो हमारी रक्षा नहीं कर सका। यिर्मयाह ने उसके विषय में पहले से कहा था, व्यर्थ ही मिस्र की सहायता की खोज कर रहे हो। मिस्र सहायता करने नहीं आएगा, लेकिन कई झूठे नबियों ने क्या वादा किया था, अभी अभी हम लोगों की मुक्ति होने वाली है। बाबुल के राजा को प्रभु पराजित करेगा, हमारी मदद के लिए लोग आएगा। निर्वासन में जो पहले लोगों को लेकर गया तुरंत लौट आएगा। ये सब झूठे नबी लोग बोलते रहे, वो सब सच में धोखा रहा। लेकिन नबी यिर्मयाह के मुंह से प्रभु ने जो कुछ बोला एक एक वाणी पूरी हुई। मिस्र सहायता करने नहीं आए, ना प्रभु उनकी सहायता मदद की, जैसा कि 130 साल पहले असूरियों के आक्रमण के समय में प्रभु ने स्वयं चमत्कार करते हुए एक ही रात में लाखों असूरियों को मारा डाला था। इस तरह यहूदा को उस समय बचाया था, लेकिन इस समय प्रभु चुप रहा, क्योंकि इस विपत्ति में प्रभु का हाथ रहा। क्योंकि प्रभु ने यिर्मयाह के द्वारा कई बार कहा, मैं अपने सेवक को बुला रहा हूं जो तुम पर आक्रमण करेगा। नबूकदनेस्सर को प्रभु अपने सेवक के रूप में बोला था। इसके बीच में अनेक बार प्रभु चेतावनी देते हुए राजा को, प्रजा को, नबी को, उधर जितने भी पुरोहित हैं उन सबों को प्रभु ने राह दिखाया था, राह दिखाने की कोशिश किया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। राजा अंधा बना रहा आध्यात्मिक रूप से, राजा सिदकिया। इसलिए क्या हुआ, जब विपत्ति आई 18 महीने की घेराबंदी के बाद, जब अंत में यरूशलेम गिर गए, शत्रु अंदर पहुंच गए, तब राजा भागने की कोशिश किया। यहूदा के राजा सिदकिया और उसके सभी सैनिकों ने भाग गए, वे अपना जान बचाना चाहा। कितने पहले प्रभु ने नबी के द्वारा बताया था, अपने को विनम्र बनाओ, आप विनम्रता के साथ अपने शत्रु के यानी बाबुल की अधीनता को स्वीकार करो। प्रभु लौटा लाएगा तो हादसा कम होगी, लोग नहीं मरेंगे। यदि आप मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके संतान और आपके परिवार के लोगों पर बहुत बड़े हादसा होगी। 38वां अध्याय में, पिछले अध्याय में यिर्मयाह नबी के द्वारा राजा को प्रभु ने बताया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। इसलिए क्या हुआ, हम देखते हैं 6वां वचन, बाबुल के राजा ने रिबला में सिदकिया के सभी पुत्रों का गला उसकी आंखों के सामने खुटवा दिया। राजा के आंखों के सामने उनके पुत्रों का वध किया गया। इस तरह पिछले अध्याय की भविष्यवाणी यिर्मयाह के द्वारा जो हुई है सब पूरी हुई।
और उसके बाद बाबुल के राजा ने यहूदा के सभी पदाधिकारियों को भी गला घुटवा दिया। ये सारे पदाधिकारी प्रभु के खिलाफ कार्य कर रहे थे, नबी के खिलाफ। प्रभु का वचन नबी के द्वारा प्रकट हो रहा था, उस नबी को वे मार डालना चाहते थे। वे सब मिस्र की सहायता के लिए उत्सुक रहे। उन सभी लोगों के ऊपर न्याय किया गया, यानी उन सभी लोगों को मार डाला गया। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, उसने सिदकिया की आंखें निकाल ली और उसे बाबुल ले जाने के लिए बेड़ियों में बांध दिया। राजा सिदकिया की आंखें निकाल ली। उसके पहले अंत में उसने क्या देखा, शत्रु ने बाबुल के राजा और उनके प्रजा जो भी आए हैं, जो सेना आई है, वो सेना ने ये बात सोच रखा कि ऐसा फैसला लिया कि सबसे अंत में ये अपनी आंखों से क्या चीज देखो। कौन? राजा सिदकिया। राजा सिदकिया अपनी आंखों से सबसे अंत में क्या देखा, अपने ही संतानों की मृत्यु, हत्या देखे। और उसके बाद जीवन भर वो अंधेरा में रहेगा। उसकी आंखें निकाली और उसको बाबुल लेकर गया। प्रभु को धन्यवाद। जो आज्ञा भंग करता है वो अंधा हो जाता है। आज्ञा भंग आदमी को आध्यात्मिक रूप से अंधा बना देता है। राजा सिदकिया के साथ वही हुआ। कई बार प्रभु ने मार्ग दिखाया था लेकिन अनदेखा किया। इस तरह आध्यात्मिक अंधापन में चला गया। वो अंधापन अभी शरीर में आ गया, इसलिए उसकी आंखें निकाली गई। हालेलुया। इस तरह कई भविष्यवाणियां, उनके विषय में जो भी बातें बताई गई, वो सब इस तरह पूरी हुई। एक रहस्यात्मक भविष्यवाणी उसके विषय में एज़कियेल नबी ने किया था। बाद में हम उसको पढ़ेंगे, एज़कियेल नबी में के ग्रंथ में जब आएंगे। अभी हम उसको जरा पढ़ लेते हैं, अध्याय 12 वचन 13। निर्वासन के तुरंत पहले, यानी यरूशलेम के पतन के पहले, उसके विषय में एज़कियेल भी भविष्यवाणी की थी। उस भविष्यवाणी में वचन 13, अध्याय 12 वचन 13 में राजा के विषय में प्रभु कहता, मैं उस पर अपना जाल डालूंगा, वो मेरे फंदे में फंस जाएगा। मैं उसे खलदइयों के देश बाबुल ले जाऊंगा। राजा के विषय में, खलदइयों के देश बाबुल ले जाऊंगा, यद्यपि वह उसे नहीं देख सकेगा लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए, हालेलुया। मैं उसको वहां ले जाऊंगा लेकिन वो देख नहीं पाएगा, लेकिन वही जाकर उसकी मृत्यु हो जाएगी, देख नहीं पाएगा। अब हमको समझ में आया कितने सटीक रूप से हर एक वचन पूरा होता है, भविष्यवाणी पूरी होती है। प्रभु को धन्यवाद। उसके बाद शत्रुओं ने नगर को जला दिया, मंदिर को जला दिया। यदि राजा सिदकिया ने प्रभु के वचन का पालन किया होता और विनम्रता से बाबुल की अधीनता को स्वीकार किया होता, अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में यरूशलेम निवासियों के, यहूदा के निवासियों के पापों के प्रायश्चित के रूप में, शुद्धिकरण के रूप में, यदि उन्होंने इस अधीनता को स्वीकार कर ली होती तो नगर जलाया नहीं जाता, मंदिर नष्ट नहीं हो जाता। देखिए, एक राजा के गलत फैसला के कारण, उसके अंधापन के कारण कितनी बड़ी तबाही देश के ऊपर आई, कितनी बड़ी विपत्ति आई। इसलिए वचन कहता है, सबसे पहले राजाओं, नेताओं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, शांति शांति में जीवन बिताना हो, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। विशेषकर चुनाव के समय में कितनी प्रार्थना हमें करनी चाहिए अच्छे नेता मिलने के लिए। हालेलुया। और यिर्मयाह के मुंह से प्रभु ने जो भी बातें बताई, एक एक करके यहां पर पूरी हुई है। प्रभु को धन्यवाद। इन तमाम
तबाहियों के बीच में प्रभु अपने चुने हुए भक्तों को बचा कर रखा। यिर्मयाह को कोई हानि नहीं हुई, शत्रु इनका आदर किया। हालेलुया। साथ साथ वो आदमी खुशी एबेद मेलेक, इथियोपिया का वो खोजा था, जिसने कुआं में पड़े हुए यिर्मयाह को बाहर निकालने के लिए प्रभु के हाथ में उपकरण बना था, उसके विषय में लिखा गया है वचन 18, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, तुम्हारी मृत्यु तलवार से नहीं होगी बल्कि तुम्हें अपना जीवन लूट के माल की तरह प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने मुझ में विश्वास किया है। हालेलुया। और यिर्मयाह का आदर कैसे हो रहा है, अध्याय 40 वचन 2, रक्षा दल के नायक ने उसका प्रभार लेते हुए उससे कहा, तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने इस स्थान के लिए अभिशाप की घोषणा की थी। देखिए, दूसरे जाति का आदमी अब प्रभु के नाम पर वचन बोल रहे हैं और प्रभु ने उसे घटित होने दिया है। उसने जैसा कहा था वही किया है। तुम लोगों ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया था, उसकी वाणी पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए तुम्हें यह भोगना पड़ा है। उसके मुंह में प्रभु अपना वचन रखा। देखिए, वास्तव में नबी यिर्मयाह के द्वारा जो भी भविष्यवाणी बराबर हो रहे थे वो सब शत्रुओं के कान में जरूर पहुंचे होंगे, इसलिए राजा नबुकदनेस्सर भी यिर्मयाह के विषय में बहुत दया के साथ व्यवहार करते हैं, उनको संभालने के लिए आदेश दिया है, इसलिए यहाँ पर रक्षा दल के नायक ये सब कहते हैं। लेकिन देखो, आज मैं तुमको अपने हाथों में बंधी जंजीरों से मुक्त करता हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा मेरे साथ बाबुल चलने की हो तो चलो, मैं तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह करूँगा। लेकिन यदि तुम्हें मेरे साथ बाबुल चलना अच्छा नहीं लगता तो मत चलो, तुम्हारे लिए सारा देश पड़ा है, तुमको जहाँ जाना अच्छा और उचित लगे वहीं जाओ। इस तरह नबी यिर्मयाह को रिहा कर दिया गया। हालेलुया। विपत्तियों के बीच में प्रभु पर श्रद्धा रखने वालों को प्रभु संभालता है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन्होंने भी प्रभु के वचन को ठुकराया, पूरी जनता पर तबाही आ गई, राजा पर, प्रजा पर, पुरोहित पर, नबी पर, सबों पर। हालेलुया। इसलिए इस निर्वासन के द्वारा प्रभु चेतावनी इज़राइल को, यूदा को और हम सभी लोगों को, आज कलीसिया के सभी लोगों को बराबर चेतावनी दे रहे हैं। ये घटना जब जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु के राह पर चलना, सही फैसला लेना, पाप के सुख को अपनाना नहीं, प्रभु को छोड़कर अन्य किसी की आराधना पूजा नहीं करनी चाहिए, प्रभु को जीवन में पहला स्थान देना, उसके वचन पर चलते जाना, बाकी सब कुछ प्रभु करेगा। हल्लेलुया। मार्कुस के सुसमाचार के 11वां अध्याय, सबसे पहले यरूशलेम में ईसा का प्रवेश। खजूर इतवार के खगार पर खड़े हम लोगों को चाहिए कि आज जरा इस पर मनन करें। प्रभु यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बथानिया पहुंचे तो ईसा ने अपने दो शिष्यों को ये कहते हुए भेजा। हालेलुया। दो शिष्यों को भेज रहे हैं, सामने के गांव जाओ। कितनी बातें प्रभु उनको प्रकट कर रहे, उन पर प्रकट कर रहे। सामने के गांव पे पहुंचते ही बंधा हुआ एक बछड़ा, गधा का बच्चा बछड़ा मिलेगा, जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है, वो भी प्रभु जानता है। और ओक्रेट के थियोफिलैक्ट ईश शास्त्री है, उसके मुताबिक ये बंधा हुआ बछड़ा जो है गैर यहूदियों का प्रतीक है, जिनके ऊपर अभी तक प्रभु सवार नहीं हुआ था। देखिए, प्रभु को शहर प्रवेश करने के लिए एक बछड़ा की जरूरत नहीं थी, किंतु उनको इसलिए बुलाया, इसलिए उनको इस्तेमाल किया क्योंकि गैर यहूदियों पे प्रभु का प्रवेश भी है। इसलिए अब यीशु के दुख भोग के साथ साथ कलीसिया की छत केवल यहूदियों पे नहीं,
गैर यहूदियों की तरह बढ़े। इसलिए अब तक उनके ऊपर कोई सवार नहीं हुए, उनको वचन नहीं मिला था, उनको विश्वास दिलाने के लिए कोई उनके पास भेजा नहीं गया था। अब उनके ऊपर प्रभु सवार हो रहे हैं, प्रभु उनको भी अपने अधिकार में कर रहे हैं। वो बछड़ा मिलेगा जिस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ है, उसे खोल कर ले आओ, वो कहाँ पर बंधा हुआ था। आगे हम देखते हैं, शिष्य चले गए, बछड़े को बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बंधा हुआ पाया। उसके विषय में संत जरोम बताते हैं, ये फाटक के बाहर, विश्वास के फाटक के बाहर पापों से बंधा हुआ गैर यहूदी लोग, विश्वास का वो फाटक कलीसिया है, उसके बाहर उन लोग थे। हालेलुया, उनको वहां से खोला गया। पाप के कारण बंधे हुए लोगों को अब प्रभु अपना रहे हैं, उनके लिए भी प्रभु के दुख भोग, और प्रभु इस शहर में इसलिए प्रवेश कर रहे हैं केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि गैर यहूदियों के लिए भी था इसलिए। और खोलते वक्त जब कोई तुमसे कहे ये क्या कर रहे हो, तो कह देना प्रभु को इसकी जरूरत है। थियोफिलैक्ट कहते हैं, जो आपको रोकते हैं वो शत्रु है, शत्रु शैतान, लेकिन आपको अधिकार है, यीशु का नाम कहने से वो चुप हो जाएगा। यीशु के नाम पे कार्य करना, प्रभु के लिए कुछ करने से आपको रोकने वाले जरूर होंगे, लेकिन प्रभु आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। शिष्य चले गए और ऐसा ही किया, और ईसा ने जैसे बताया था शिष्यों ने वैसा ही कहा, लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बछड़े को ईसा के पास ले आकर उस पर अपने कपड़े बिछा दिए। हालेलुया। ये कपड़े को निकालकर प्रभु के लिए बिछाना, ये शहादत का प्रतीक है। अनेक ईसा शास्त्रियों के मुताबिक अपना वस्त्र वे निकाल रहे हैं प्रभु के लिए, शरीर रूपी वस्त्र प्रभु के लिए समर्पित कर रहे हैं। हालेलुया। ये शहादत है, यानी मार्टिरडम, अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर रहे हैं। हालेलुया। साथ साथ प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले समर्पित लोगों का भी प्रतीक है ये। कपड़ा उतार कर प्रभु के बिठाने के लिए, प्रभु को बैठने के लिए देना। जितने लोग कलीसिया में अपना जीवन समर्पित करते हुए पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनके कार्य का प्रतीक भी है। और आगे बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में भी बिछा दिए, कुछ लोगों ने खेतों में हरी भरी डालियां काटकर फैला दी। ये संत लोगों का कार्य है, अनेक ईसा शास्त्रियां बताते हैं, विशेषकर थियोफिलैक्ट, वो बताते हैं कि संत लोग पवित्रता के पेड़ से डालियां काटकर फैला दी। इसका मतलब वो एक एक पुण्य का फल है, हालेलुया, उसको प्रभु के नाम पर उसको काटना, प्रभु के लिए ये पुण्य का पालन करना अपने जीवन में। वे अनेक सुकृतों को ओ फलने फूलने दिया, हालेलुया, और प्रभु के लिए समर्पित किया। और ईसा के आगे आगे जाते हुए पीछे पीछे आते हुए लोग नारा लगा रहे थे, होसन्ना, हालेलुया। होसन्ना का मतलब है बचाइए, सेव अस, हमें बचाई। तो वे लोग राजा से कह रहे थे, एक राजा के सामने प्रजा की पुकार है, हमें बचाइए। तो आगे पीछे लोग ये कह रहे थे। इसके विषय में थियोफिलैक्ट कहते हैं कि जीवन के बीते दिनों में प्रभु के लिए कुछ किया वो केवल काफी नहीं है, पीछे भी, हालेलुया, मतलब आगे पीछे। कुछ लोग पहले बहुत बड़ा कार्य सब करते थे प्रभु के लिए, बाद में उसके बाद कार्य सब समाप्त। कुछ
कुछ साल तक प्रभु की सेवा बहुत अच्छा से किया, प्रार्थना सब किया, उसके बाद नहीं है, नहीं आगे भी पीछे भी, आगे के जीवन में पीछे के जीवन में भी अब प्रभु के लिए आवाज उठानी है। हालेलुया, धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते हैं। इस वचन के साथ साथ हम सभी लोगों को एक कृपा मिल रही है जो भी इस वचन को दावा करें, क्योंकि धन्य है वे सब जो प्रभु के नाम पर आते हैं। इसलिए आते हो जाते हो प्रभु के नाम पर आना जाना, जहां पे भी जाएंगे उसके नाम पे करना, उसके नाम पे जाना, तब हम भी धन्य होंगे। इसलिए जाने के पहले उसके नाम की क्रूस को अपने ऊपर लगाते हुए जाना, आते समय भी क्रूस का चिन्ह लगाना, तो प्रभु के नाम पर हम गए, प्रभु के नाम पर हम आए, दोनों समय आशीर्वाद। विधि विवरण अध्याय 28, घर से निकलते समय और घर से बाहर से अंतर आते समय, दोनों समय में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया, ये आशीर्वाद हमको तभी प्राप्त होते हैं जब हम प्रभु के नाम पर जाएंगे, कार्य सब करेंगे। और धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज सर्वोच्च स्वर्ग में हो सकता, दाऊद का राज, क्योंकि उन लोग दाऊद का राज्य इसलिए कहा, प्रभु के राज्य को दाऊद के राज्य के आगमन के रूप में इसलिए कहा, एक धर्मी राजा था, शासक लेकिन धर्मी था। दूसरा, उसका बाहुबल बहुत था, यानी प्रभु के सामर्थ्य उसकी तुलना हम कर ही नहीं सकते, लेकिन उस समय लोगों के लिए तुलना करने के लिए उनके सामने केवल एक ही था, दाऊद। उसके जैसे और कोई शासक नहीं रहा। बाद में हम देख चुके हैं कैसे शासक सब पापों में गिरते गए, लेकिन दाऊद के समय में वो धार्मिकता को उसने बनाए रखा था, धार्मिकता का बोलबाला था, शांति चारों ओर। इसलिए प्रभु के आगमन पर, प्रभु के राज्य पर वो शांति, सभी लोगों को आनंद, आत्मा का वो आनंद। इसलिए दाऊद के राज्य के विषय में यहाँ पर उन लोग अपने आराधना में, अपने गीत में, अपनी प्रार्थना में दाऊद के धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना वो कहते हैं। ईसा ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया, वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बथानिया चला गया। मंदिर में प्रवेश करके अच्छी तरह सब कुछ देखा। प्रियजनों, मंदिर में प्रभु अच्छी तरह देखेगा। हालेलुया, अब मंदिर में कैसे रहते हैं, मंदिर के साथ आपकी रिश्ता कैसे है, मंदिर के कार्यों को आप कैसे करते हैं, मंदिर में रहते समय क्या आपको इस बात का ध्यान है कि प्रभु अच्छी तरह देखेगा, मंदिर के हर कार्य को प्रभु अच्छी तरह दे। इसलिए मंदिर से जुड़े हुए कार्यों को अच्छा से करना होगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। उसके बाद हम फलहीन अंजीर के पेड़ के बारे में देखते हैं, उसके विषय में पहले भी फादर बता चुके हैं। ये फलहीन अंजीर के पेड़ को प्रभु श्राप क्यों दिया था, क्योंकि वो एक प्रतीक मात्र है, फल जिनके अंदर नहीं है ऐसे लोगों का प्रतीक है, लेकिन अपनी कमियों को छिपाने के लिए बहुत सारा दिखावा करते हैं, दिखावा का पाप के प्रतीक है ये फलहीन अंजीर का पेड़। ऐसे फारसी और शास्त्री लोग दिखावा करते थे, पाखंड के पाप में फंसे हुए लोगों का प्रतीक है, ऐसे लोगों पर विपत्ति आ सकती है। मंदिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन, प्रभु ने उनसे ये कहा, देखो मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने लुटेरों का अड्डा बनाया। लुटेरों का अड्डा मतलब जहां पर लुटेरे सुरक्षा महसूस करते हैं, सुरक्षा महसूस करते हैं। इसलिए क्या हम दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में, क्योंकि क्या तुम नहीं जानते हो तुम ईश्वर के मंदिर हो, इसलिए इस मंदिर में क्या हम लुटेरों को रहने के लिए सुरक्षा का अनुभव देता है? वो लुटेरे कौन कौन है? गुस्सा का दुष्ट आत्मा लुटेरा है, और ईर्ष्या के दुष्ट आत्मा, वासना के दुष्ट आत्मा, आलसीपन के दुष्ट आत्मा,
और घमंड और लालच के दुष्ट आत्मा, पेटूपन के दुष्ट आत्मा, उनको सब क्या हम अपने अंतरतम में जगह दे रखा है, सुरक्षित जगह दे रखा है, इसलिए प्रभु दोष लगाते हैं। हालेलुया। और उसके बाद सूखा हुआ अंजीर के पेड़ को हम फिर से देख रहे हैं, अधिकार का प्रश्न। प्रभु के अधिकार को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। क्या हमने प्रभु के अधिकार को स्वीकार किया? जीवन के हरेक पहलुओं में प्रभु के अधिकार को स्वीकार करना है, तब चिंता नहीं रहेगी। कल के विषय में चिंता या अतीत के बारे में सोचना बार बार, प्रभु के अधिकार को स्वीकार कीजिए। हरेक परेशानी के ऊपर प्रभु के अधिकार को, पानी के ऊपर उसको अधिकार है, आग के ऊपर अधिकार है, बीमारी के ऊपर यीशु को अधिकार है, शैतान के ऊपर अधिकार है, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर प्रभु को अधिकार न। इसलिए जी उठने वाला प्रभु ने क्या कहा, मुझे आकाश और पृथ्वी की, स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार प्राप्त है। हालेलुया। इसलिए मुझे स्वीकार करना, मेरे प्रभु को मेरे ऊपर अधिकार है, मेरे जीवन के ऊपर, मेरे परेशानियों के ऊपर उसका अधिकार है, मेरी बीमारियों के ऊपर, घर के सभी समस्याओं के ऊपर मेरे प्रभु का अधिकार है, मुझे क्यों डरना है। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर हम आपको आशीर्वाद देते हैं, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।